हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिल्ली हिंसा को लेकर कई ट्वीट कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने दिल्ली हिंसा पर भारत सरकार को घेरने के बाद अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी कही। इमरान खान ने ट्वीट किया, आज भारत में हम देख रहे हैं कि अरबों की आबादी वाले परमाणु शक्ति संपन्न देश पर नाजीवाद से प्रेरित आरएसएस विचारधारा का नियंत्रण हो गया। जब कभी भी नस्लवादी विचारधारा पर आधारित नफरत फैलती है तो वह खूनी संघर्ष की तरह ही आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्वीट में इमरान खान ने कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए संबोधन में भी मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब जीन बोतल से बाहर आएगा, खून खराबे का और बुरा दौर शुरू हो जाएगा। कश्मीर एक शुरुआत थी, अब भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। इसके बाद इमरान खान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कहा, मैं अपने नागरिकों को यह चेतावनी देता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने गैर मुस्लिमों या उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक इस देश के समान रूप से नागरिक है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी दिल्ली हिंसा को लेकर कहा था कि पाकिस्तान का नागरिकता कानून को लेकर जो पक्ष था ते अब दिल्ली हिंसा में समझा जा सकता है। बता दें कि पूर्वी उत्तरी दिल्ली में नागरिकता कानून के समर्थन और विरोध में प्रदर्शक हिंसक हो गए थे, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौतें हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी दिल्ली हिंसा सुर्खियों में है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही खेल जगत, बॉलीवुड जगत, दुनियादारी और राजनीति जगत से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।